जिन्नात भी अल्लाह तबरक व तआला की एक मखलूक है। जिस तरह इंसानों के घर बच्चे पैदा होते हैं और इनकी तादाद में इजाफा होता है और इंसान आपस में निकाह करते हैं, इसी तरह जिन्नात भी निकाह करते हैं और इनके घर भी औलाद पैदा होती है और उनकी तादाद इंसानों से 9 गुना ज़्यादा होती है। जब इंसान के घर एक बच्चा पैदा होता है तो जिन्नात के यहाँ 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिन्नात की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कुछ जिन्नात ऐसे होते हैं कि जो जानवरों की शक्ल में रहते हैं, जिसमें सांप और कुत्ते शामिल हैं। कुछ जिन्नात इंसान की शक्ल और रूप में भी आते हैं और कुछ जिन्नात किसी और रूप में भी रहते हैं। इसी तरह जिन्नात में बाज़ जिन्नात काफिर, मुशरिक, ईसाई और गैर मुस्लिम भी होते हैं और बाज़ जिन्नात नेक मुसलमान परहेजगार भी होते हैं। और मुसलमान जिन्नात हर इंसान के घरों की छतों पर रहा करते हैं और उनका ये तरीका होता है कि जब भी खाने का वक्त आता है, जब इंसान खाना खाते हैं तो वो भी उतर के उनके साथ खाना तनावुल करते हैं। और अल्लाह तबारक व ताला इन मुसलमान जिन्नात की बरकत से शरीर जिन्नात से हिफाजत फरमाता है। मज़ीद ये है कि जिन्नात इंसानों का कत्ल भी करते हैं। एक वाक़या है कि इब्ने अकील किताबुल फ़नून में फरमाते हैं कि हमारा एक मकान था, जो भी इसमें रहता और रात को क़याम करता तो सुबह उसकी लाश ही मिलती थी। एक मर्तबा एक मगरबी मुसलमान आया, उसने इस मकान को पसंद करके ख़रीद लिया, वहाँ रात बसर की और सुबह बिल्कुल सही और सलामत रहा। इस बात पर पड़ोसियों को बड़ा ताज्जुब हुआ। वो शख्स इस घर में काफ़ी अरसा रहा और मुकीम रहा और उसके बाद वो कहीं चला गया। जब वो जाने लगा तो इस घर में सलामत रहने का सबब उसके हमसायों ने पूछा तो उसने जवाब दिया कि जब मैं इस घर में रात गुजारता तो ईशा की नमाज के बाद कुरान करीम की तिलावत किया करता था। एक बार एक पुर असरार नौजवान ने कुएं से बाहर निकलकर मुझे सलाम किया। मैं डर गया और कहने लगा कि डरिए मत, मुझे भी आप कुरान करीम सिखाइए। चुनाचे मैंने उसे कुरान करीम सिखाने लगा। मैंने उससे पूछा कि इस घर का क्या किस्सा है। उसने बताया कि हम मुसलमान जिन्नात हैं, हम कुरान पाक की तिलावत भी करते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। इस घर में अक्सर और बेशतर शराबी और बदकार लोग रहने के लिए आते हैं, इसलिए हम इनका गला घूंटकर इनको मार डालते हैं। मैंने कहा कि रात में आपसे मुझे डर लगता है, आप बराए करम दिन में तशरीफ़ लाया करें ताकि मैं आपको दिन में कुरान पाक पढ़ा दिया करूं। उसने कहा ठीक है, अब से मैं दिन में आपके पास आया करूंगा। वो जिन मुझसे कुरान करीम सीखता रहा और दिन में आया करता था, मेरी उससे बातचीत हो जाया करती थी। एक दिन अमलियात करने वाले मोहल्ले में एक अमलियात करने वाला मोहल्ले में आया और सदाएं लगाने लगा कि मैं सांप के डसने, नजरे बद और आसेब का दम करता हूं। उस जिन ने कहा ये कौन है। मैंने कहा ये झाड़ फूंक करने वाला है। जिन बोला इसे मेरे पास लाओ। लिहाजा मैं गया और उसे बुला लाया। यकायक वो जिन छत पर एक बड़ा अजदहा बन गया। उस आमिल ने दम किया तो वो अजदहा तड़पने लगा, यहां तक कि घर के दरमियानी हिस्से में गिर पड़ा। उस आमिल ने सांप समझकर इसे पकड़कर अपनी टोकरी में बंद कर दिया। मैंने इसे मना किया तो कहने लगा ये मेरा शिकार है, मैं इसको ले जाऊंगा। मैंने इसे एक अशरफी दी तो वो छोड़कर चला गया। इसके जाने के बाद उस अजदहे ने हरकत की और पहली वाली शक्ल में जाहिर हुआ, लेकिन वो कमजोर होकर पीला पड़ गया था। मैंने इससे पूछा तुम्हें क्या हो गया। जिन ने जवाब दिया आमिल ने अस्मा मुबारक पढ़कर दम किया, जिससे मेरी ये हालत हुई, मुझे जिंदा बचने की उम्मीद ना थी। जब तुम कुएं में चीख की आवाज सुनो तो यहां से चले जाना, मगरबी मुसलमान का कहना है। मैंने रात में चीख की आवाज सुनी तो मैं घर छोड़कर दूर चला गया। इस शिकायत से यह सीखने को मिला कि बसा औकात मजाक महंगा पड़ जाता है।
गालिबन उस जिन ने अजदहा बनकर उस आमिल को छेड़ने की कोशिश की थी कि देखो ये क्या करता है, मगर वो आलिम अपने फन में कामिल निकला और उसने अस्माए मुबारक पढ़कर ऐसा दम किया कि इस बेचारे जिन को जान के लाले पड़ गए। लिहाजा किसी को कमज़ोर समझकर छेड़ना नहीं चाहिए। नीस पता चला कि गुनाहों की नहुसत के सबब भी दुनिया में भी बलाएं और आफतें आ सकती हैं। उन आसेब ज़्यादा मकान में आने वाले शराबियों और बदकारों को जिन्नात गला घूट कर मार दिया करते थे। एक इसमें आपको बेहतरी की सूरत बताता हूँ कि जब भी आपको ऐसा लगे कि कहीं पर जिन्नात और आसेब हैं तो वहाँ पर बावजू रहा करें, गुसल किया करें कि नापाक और पलीत शख्स के ऊपर जिन्नात का असर ज़्यादा जल्दी होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आफियत अता फरमाए।